घर से भागे, फुटपाथ पर सोए और फिर हैदराबाद जाकर यूं स्टार बन गए हर्षवर्धन राणे। फिल्मों में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले अभिनेता हर्षवर्धन राणे जब ग्वालियर से भागे, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर उन्हें क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं। तेलुगु फिल्मों के वे बड़े सितारे हैं, लेकिन एक वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा भी रहा जहां उनके पास न तो खाने के पैसे थे और न ही सोने के लिए छत। इस खास बातचीत में अमर उजाला ने हर्षवर्धन से उनके पूरे संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की। आपका बचपन कहाँ बीता और क्या वहाँ पर अभिनय की शुरुआत करने जैसा माहौल था? 16 से 17 साल की उम्र तक मैं ग्वालियर में था, लेकिन फिर उसे छोड़कर दिल्ली भाग गया था। मुझे पर्दे पर आना था और ग्वालियर में यह बात किसी को समझ में आ नहीं रही थी, वैसे आनी भी नहीं चाहिए। वह समय ऐसा था जब अभिनय को एक पेशे के रूप में नहीं देखा जाता था। लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि क्या यह अभिनेता बनना भी कोई करियर बनाना है क्या? उस समय ग्वालियर से सिर्फ एक ही अभिनेता निकले जिनका नाम है शरद केलकर। मिसाल के तौर पर उनका नाम दिया जा सकता था, लेकिन वह तो पहले से ही एक बड़े अभिनेता बन गए थे। उनका फोन नंबर वगैरह था नहीं, इस वजह से उनसे बातचीत करने का या कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। अब आप भी एक पहचान रखते हैं तो क्या शरद केलकर से आपकी कभी मुलाकात हुई? जी हाँ, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, और मेरे बात करने के तरीके से वे अचानक आश्चर्य में आ गए। उनका कहना था कि मैं इतना सभ्य कैसे हूँ जबकि मैं ग्वालियर से हूँ। दरअसल क्या है कि ग्वालियर के लोगों का जो स्वभाव है वे थोड़ा कड़क माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भिंड, मुरैना और चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर थोड़े सख्त स्वभाव के लोग रहते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था, इस चक्कर में अलग अलग शहरों का मैंने दौरा किया है। मैंने बताया कि उनका ही नाम लेकर मैं एक अभिनेता बनने की हिम्मत जुटा पाया तो वे बहुत खुश हुए। ग्वालियर से भागने के बाद फिर आगे बढ़ने के लिए आपको किस घटना ने प्रेरित किया? मैं कुछ इंटरव्यूज पढ़कर अपने आप को दिलासा दे रहा था कि दिल्ली से तो बहुत लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं। आयुष्मान खुराना हैं, शाहरुख सर भी दिल्ली से ही आए हैं, वह भी किसी को नहीं जानते थे। अक्षय कुमार सर शिफ्ट थे। इन सब के बारे में इंटरव्यूज पढ़ कर ही जाना है। इंटरव्यूज की ही ये ताकत होती है जो दूसरों को प्रभावित कर जाती है। फिर मैंने फैसला किया कि दुनिया को मैं अब बोलकर अपनी बात नहीं समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा। दिल्ली जाकर मैंने बहुत से काम किए, वेटर बना, एसटीडी बूथ पर नौकरी की। 2002 के आसपास मेरा थोड़ा प्रमोशन हुआ और मुझे 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक साइबर कैफे में नौकरी मिली। महीने का 500-600 रुपए कमाना मेरे लिए तब बहुत बड़ी बात थी। फिर मैं एक डिलीवरी बॉय बना।